बेटा चड्डी बनियान बिक जाएगी तीनों को साइन करते करते। एंड फॉर वेरी गुड मेजर जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, घमंड कितनी बुरी चीज़ है ये तो आपको मालूम ही चल चुका है। शाहरुख खान जैसा का जब मुंह तोड़ जवाब दिया जा सकता है तो आप लोग के तो खैर कोई औकात ही नहीं है। कमेंट मार करके केवल अंधभक्त के अलावा कुछ कहने की हैसियत ही नहीं है, क्योंकि हम लॉजिक और फैक्ट पे बात करते हैं विद प्रूफ। खैर इनको तो नॉर्मल तरीके से बुलाया गया वेडिंग में और नॉर्मल तरीके से लोग आए, और किसके गाने पर नचाए, वो भी रामचरण के गाने पर, जो कि एक सच्चा सनातनी है। कई लोग ऐसे हैं जो बॉलीवुड में अभी सही से पहुंचे तक नहीं है, जो अच्छे से पहचान तक नहीं बना पाए, बॉलीवुड को बहुत महान मानते हैं, साउथ और कन्नड़ सब बकवास है। तो सुन लो देख लो, साउथ के गाने पर नचवा दिया तुम्हारे तीनों खांस को, और बात यहीं तक सीमित नहीं है, ये तुम्हारे रियाना को भी नचवा दिया, जो इनके खिलाफ अडानी अंबानी के खिलाफ बातें बोल चुकी है। अरे खैर बुर्ज खलीफा क्या नाम है उसका, नाम मियाँ खलीफा, वो तो खैर दो चार लड़कों के साथ व्यस्त होगी इसलिए वो भी नहीं आ पाई, नहीं तो आते जरूर वो भी। समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना। नीले कबूतर क्या कहते हैं, पूजा पाठ से क्या होगा, पूजा पाठ बकवास चीज, पढ़ाई लिखाई करो, पढ़ाई लिखाई में सब कुछ रखा है, पढ़ाई लिखाई करके ये बनो वो बनो, अच्छी चीज है ज्ञान, लेकिन आप अधूरा देते हो। अब लेकिन क्या करें, आपकी मजबूरी बन गई ज्ञान अधूरा देना, क्योंकि ऐसे लोगों को फॉलो करते हो, ध्रुव राठी जैसे को। अब माइंड वॉशर्स को फॉलो करोगे तो माइंड वॉश तो हो गए ना आपका। हाँ बिल्कुल, उनके इस आदि में तुम्हारे चाहने वाले पहुंच गए नाच गाना करने के लिए, यही असली औकात तुम्हारे। तो अब देखो, भारत का अमीर आदमी चलो वो अलग बात है, लेकिन कितना धार्मिक बंदा है तो आप सुन लो। मेरे घर में दादी जी और दादा बहुत धार्मिक थे, हमारे घर में सब, मैं, मेरे भाई, मेरे बहन, मेरा भाई बहुत बड़ा शिव भक्त है, मेरे पिताजी आप गणेश के भक्त है, वो शिव जी के, माता जी अब भी नवरात्रि पे उपवास करती है। कि जिनको तुम चाहते ना, जिनको तुम दिलो जान से चाहते हो, जिनको तुम अपना आइडल मानते हो, जिनको तुम गुरु जी मानते हो, उनसे भी जय श्री राम बुलवा दिया। जय श्री राम। तो ये होती है एक भक्ति की पावर, अंडरस्टैंड, भक्ति, यू नो, नहीं जानते होगे आप शायद, भक्त, केवल भक्त को। अब यहाँ पे उन सबके मुंह, क्योंकि प्रोपेगेंडा नहीं चलेगा एनडीटीवी वाला। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है, अरे सर क्या, अरे हाँ, आपका ध्रुव राठी क्यों चुप है इस मामले में? Oh, no. इतना कुछ तो उसको बोलना चाहिए यार, इतनी बड़ी शादी हुई है, आपके खांस को नचवा दिया, जय श्री राम बुलवा दिया, तो इसको तो वीडियो बनवानी चाहिए ना कि भाई ये तो अनंत अंबानी की नहीं, ये तो मोदी की शादी थी, इसमें मोदी का पैसा लगा था, इसलिए इन तीनों खांस को बुलवा, इसलिए इन तीनों खांस को बुलवा कर दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, जबरदस्ती जय श्री राम बुलवाए दोस्तों। कितना अच्छा लगता है ना ऐसे, कि अपने से गरीब वालों को ऐसे बोलो कि भाई तेरी क्या औकात है, तू हमें खरीदेगा, हमारे जैसे तीन को खरीदेगा, तेरे कच्चे बनियान बिक जाएंगे, अच्छा लगता है ऐसे सुनने में। और वहाँ पे जो लोग बैठे हुए थे, अपनी तारीफ करवाने में अच्छा लगता है, उसकी बेइज्जती करने में अच्छा लगता है। अब क्या कहोगे कि भाई सच में कच्चे बनियान तो हमारे खरीद लिए उन्होंने। मैंने हर एक न्यूज़ चैनल में देखा, जहाँ देखो अंबानी अंबानी, वेडिंग वेडिंग, मतलब तारीफ अच्छे से चल रही है, लेकिन यहाँ पे एनडीटीवी वाला साइलेंट रहा। आपके गुरुजी जिस पोर्टल को बार बार प्रमोट करते हैं, उस चैनल में पता नहीं कुछ बोले ही नहीं, क्योंकि सच ऐसा है कि हजम हो ही नहीं पा रहा है, इतनी मिर्च झोंक दे, इतनी मिर्च झोंक दे कि आँख से कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। माँ मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ। बाकी जाते जाते इतना ही कहूँगा कि अपने से नीचे वाले का मजाक बनाने से पहले इतना ज़रूर सोच लेना कि महफिल में हमारी भी इज्जत उछाली जा सकती है। नमस्कार।